My dear student of standard 7th and welcome to you, and as you can see on your screen that today we are going to discuss question answer of chapter number 3, that is government. एक बार की पॉइंट्स पे फोकस कर लेते हैं. जहाँ पे हमने देखा था कि गवर्नमेंट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो कानून बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है. ओके, ये सब हमने अपने चैप्टर में थोड़ा पढ़ा था. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ गवर्नमेंट? सी, हमको कुछ भी चीज़ को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? ओके, इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. ये एग्जाम में आपको 3 मार्क के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देर आर 6 पॉइंट्स, सो लेट अस गो थ्रू पॉइंट टू पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, एवरी नेशन रिक्वायर द गवर्नमेंट टू टेक डिफरेंट डिसीजन एंड ऑल्सो टू कैरी आउट डिफरेंट वर्क्स ऑफ पीपल. हर देश में गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि गवर्नमेंट को बहुत सारी डिसीजन लेने होते हैं, है ना. आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी डिसीजन ले रही है कि हम लोगों को कितने फाइटर प्लेन चाहिए, हमको कौन से कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, या कौन से कंट्री को हमको मतलब अटैक करना है, कौन सी के साथ डिफेंड करना है, कितना बिजनेस करना है. बहुत सारे इश्यूज होते हैं एंड लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम करना होता है. ओके, जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, समथिंग लाइक दैट. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. इन एवरी नेशन द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू मेक अमेंडमेंट इन देम. सी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो यू नो इट वेरी वेल, कि एक ऐसा सेट ऑफ बुक्स होती है, रूल्स होते हैं उसमें, जो पूरे कंट्री को गवर्न करते हैं. एंड हम लोग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमको अपने देश को गवर्न करना है. ओके, कानून बनाना है, और ज़रूरत पड़े उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी करने पड़ते हैं. अमेंडमेंट का मतलब होता है टू मेक नेसेसरी चेंजेस. ओके, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं. द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द लॉ इक्वली टू ऑल द पीपल. ओके, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पर्टिकुलर कास्ट का हो, पर्टिकुलर रिलीजन का हो, कानून सबके लिए एक ही है. ओके, अगर आप विदाउट टिकट रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो फाइन एक जैसा ही होना चाहिए, है ना. फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं. इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू रन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल. हमारा कंट्री वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो लॉस बनाए जाते हैं, वो लोगों के विश के हिसाब से होने चाहिए. ओके, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं. ओनली द गवर्नमेंट डज पब्लिक वेलफेयर वर्क, है ना. अब एक इंडिविजुअल इंसान अगर किसी की हेल्प करना चाहता है तो एक लिमिटेड जगह तक ही कर सकता है, लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट बहुत लार्ज स्केल पर कर सकती है. ओके, जैसे कि लॉकडाउन में सोनू सूद ने मुंबई के लोगों को, वर्कर्स को उनके गांव तक पहुंचाया, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पहुंचा सकते हैं. लेकिन जब गवर्नमेंट ये वर्क करती है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रेन चलाई एंड ऑल डेट, तो यू नो इट कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बड़े स्केल पर ये काम कर सकती है. हाँ, हम लोग भी हेल्प करते हैं. यू माइट बी हर्ड कि अक्षय कुमार ने इतने फार्मर्स को मतलब लोन रिपे के लिए हेल्प किया, अमिताभ बच्चन ने इतने फार्मर्स की हेल्प की, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक हो सकता है, लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट बहुत लार्ज स्केल पे कर सकती है. सो जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर वर्क की बात आती है तो गवर्नमेंट बहुत ऑनेस्टली अगर काम करे तो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती है. ओके, 6 पॉइंट पे आ जाते हैं. डस टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड इनेबल द कंट्रीज प्रोग्रेस गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. अगर हमको अपने आसपास में शांति रखनी है, हमारे देश का माहौल शांत रखना है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन करना है, मतलब कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा क्राइम रेट लो हो, तो इसके लिए कंट्री के प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट बहुत ही ज़रूरी है. आई होप ये 6 पॉइंट के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट हमारे देश में क्यों होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स मूव द सेकेंड क्वेश्चन. वेल, सेकेंड क्वेश्चन, वॉट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? इट कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन 4 to 5 मार्क्स. तो गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट यूजली बहुत सारे काम करती हैं एंड ये आंसर मैंने टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है. लेट्स बिगिन द फर्स्ट पॉइंट. द गवर्नमेंट इज लाइक अ मैनेजिंग कमिटी. ठीक है, तो गवर्नमेंट में कोई एक जना डिसीजन नहीं लेता है, एक मिनिस्टर होता है और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. यूजली या तो वो CM हो सकता है या PM हो सकता है, एंड उसके बहुत सारे हेल्पिंग मिनिस्टर होते हैं,
है ना, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, सो दे ऑल सिट टुगेदर एंड दे टेक द डिसीजंस, है ना। गवर्नमेंट भी पहले उन्होंने लॉकडाउन रखा था, फिर लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने लॉकडाउन ओपन किया तो बहुत सारे केसेस आने लगे, सो अगेन सीएम हमारे जो पीएम है वो सारे सीएम्स को साथ मीटिंग कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, लॉकडाउन वापस से अनाउंस करना है या अनलॉकडाउन, मतलब जो लॉकडाउन हटा लिया है उसको ही कंटिन्यू करना है। सो मैनेजिंग कमेटी क्या होता है, दे सिट टुगेदर एंड वो अपने डिसीजंस लेते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क एज पर द विशेज ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर, है ना। लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते ज़्यादा बेटर रहेगा, सभी लोग चाह रहे थे कि बहुत हो गया लॉकडाउन, अब सब कुछ ओपन कर देना चाहिए, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, अनलॉक कर दिया लॉकडाउन, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक वेरियस स्टेप टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेती है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट, सी देयर आर सर्टेन पीपल कंप्लेनिंग कि हमको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो लोग क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रही है, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा। सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग इन टू इट। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, इट इज़ कंसर्न अबाउट द नेशंस प्रोग्रेस, सॉरी नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा उनको देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसको भी स्टेबल रखना होता है, हमारा GDP ग्रोथ थोड़ा भी कम हो गया है तो उसको वापस से स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इसके अलावा गरीबी की प्रॉब्लम तो हमारे कंट्री में है ही, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है ना, मनरेगा नरेगा जैसी इस गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, लिटरेसी ऑफकोर्स स्कूल्स में बच्चों को कैसे स्कूल की तरफ फोकस किया जाए, हेल्थ से मेजर इशू इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन किए हुए हैं, जिम ओपन किए हुए हैं, ओके, फिजियोथेरेपी सेंटर्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है ना। AMC वाले जैसे कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं, वो भी से फॉर एग्जांपल मॉस्किटो को किल करने के लिए पाउडर का छिड़काव करते हैं, समटाइम वो लोग गैस भी स्प्रेड करते हैं, ओके, सो गवर्नमेंट ये सब काम करती है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, पहले बहुत बड़ा पॉइंट है सो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी मेकिंग लो प्राइस फूड ग्रेन अवेलेबल थ्रू द राशन शॉप्स, जो गरीब लोग होते हैं ना उनको राशन शॉप से बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में बासमती राइस लाते हो, ओके, तो इट कॉस्ट यू अराउंड 40 रुपीज़ to 100 रुपीज़ डिपेंड करता है, बट अगर आप राशन शॉप में परचेस करोगे तो आपको बहुत ही नॉमिनल 5-10 रुपीज़ में पर केजी आपको राइस ईजिली मिल जाता है, राइस, वीट, शुगर, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ओके। आगे चलते हैं, असिस्टेंट ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड कैलेमिटीज़, जब तूफान आता है तो हम गवर्नमेंट ही हेल्प करने आती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लड आता है तो हेलीकॉप्टर आते हैं, हेलीकॉप्टर से मतलब जो लोग होते हैं उनको पिक किया जाता है, एंड इवन अफेक्टेड एरियाज़ में फूड पैकेट्स वो लोग थ्रो करते हैं, ओके, इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर के टाइम पर लोगों की हेल्प करती है। इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स, है ना, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, टू रन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, जुडिशियल, पोस्ट, टेलीग्राफ एंड रेलवे। ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें होती हैं, ओके। इसके अलावा जुडिशरी, कानून व्यवस्था, जो बहुत गरीब लोग होते हैं जो मतलब लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट उनको सरकारी वकील प्रोवाइड करती है, पोस्ट सर्विसेज देती है, अगर आप नॉर्मल इंडियन पोस्ट का यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप प्राइवेटली उसको पोस्ट करते हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। टेलीग्राफ तो चलो ठीक है, रेलवे ऑल्सो। नाउ एंड द लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, है ना। लकीली हमारा कंट्री इतना लकी नहीं है कि उसको अच्छे पड़ोसी मिले हो, हम तो चाहते हैं फ्रेंडली रिलेशन, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं कि समझते नहीं है। यू गॉट मी वेरी वेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वेल ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं, पहले 3rd नंबर ले लेते हैं। वॉट विल यू डू इफ लॉस आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड इनजस्टिस इज डन टू यू। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपके घर पे अभी एक ऊपर से ब्रिज बना रहे हैं या फ्लाई ओवर बना रहे हैं, तो आप जो पिलर है वो आपके घर पे आता है,
तो आपने गवर्नमेंट ने आपके घर को डिमोलिश कर दिया और आपको घर पे पिलर बना रहे हैं ताकि ब्रिज बन सके, फ्लाई ओवर बन सके, बट गवर्नमेंट आपको उसका कोई कंपनसेशन नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट में जाओगे, बराबर, एंड आप कोर्ट में जाके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस करोगे, ओके? अगर आप लोग क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है ना, गवर्नमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने का राइट है, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसकी तो हमको मतलब पैसे मिलने चाहिए ना, या फिर हमको सामने कोई दूसरा घर प्रोवाइड करे, ओके? तो जब भी अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है और आपके साथ इनजस्टिस जैसा होता है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट ऑल्सो। सो यही सब हम लोग इस मंच में डिस्कस करेंगे। इफ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट प्रैक्टिस प्रॉपरली एंड नॉट आई एम नॉट जस्टिफाइड, आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट इट। तो जब भी आप लोग गवर्नमेंट के साथ कुछ खराब, गवर्नमेंट आपके साथ अगर कुछ करें जो सही नहीं है, तो आपको पहले तो बिना डरे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आई विल फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द हाई कोर्ट। डिपेंड करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, पहले लॉयर आपको अच्छे समझा पाएगा, बट यहाँ पे हाई कोर्ट आप समझो कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी केस कर सकते हो। द कोर्ट कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू टेक प्रॉपर एक्शन टू पुट लॉ इनटू प्रैक्टिस। हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो गवर्नमेंट को मतलब कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ये यूजुअली दिल्ली के साथ ज़्यादा होता रहता है, एंड गुजरात में भी जब कोरोना केसेस ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे तब हाई कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को थोड़ा डांट फटकार लगाई थी, ओके? सो लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, ओके? ये कंटिन्यू करते हैं। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द होल ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेस? मैं अपनी इमेज को थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको आंसर देखने में प्रॉब्लम ना हो। यस, वेल, इंडिया को एक ही जगह से एडमिनिस्टर करना पॉसिबल क्यों नहीं है? देखो, हम लोगों को पता है स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट भी होती है। तो अगर ये इतनी सारी गवर्नमेंट है, तो कन्फ्यूजन होता है कि यार इसकी कंप्लेंट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएँ कि लोकल गवर्नमेंट के पास जाएँ कि यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएँ। बट क्यों हम लोगों ने ये तीन अलग अलग लेवल रखे हैं, क्यों एक ही जगह से नहीं रखा है? तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट थ्रू द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री। हाँ, बहुत बड़ा कंट्री है, अप्रोक्सीमेटली 32 लाख से भी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। देर आर 28 स्टेट्स, मैं अपडेट के साथ बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर नाउ नो मोर अ स्टेट है, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, पहले 7 थी अब 2 हो गई है, ओके? सो 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके? एंड इफ देर इज अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, मैनी प्रॉब्लम कैन अकर एंड पीपल हैव टू फेस मैनी हार्डशिप। अगर सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है, अब मान लो लाइट की कंप्लेन करने के लिए MP रखा, तो कोई केरला वाला बंदा MP थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना, ओके? अगर मान लो कोई हॉस्पिटल की कंप्लेन, हॉस्पिटल का कोई इशू है, तो हॉस्पिटल की कंप्लेन, अब मान लो हॉस्पिटल हम लोगों ने कोलकाता में रखा है, तो कोई पंजाब, राजस्थान और गुजरात वाला बंदा थोड़ी ना कोलकाता जाएगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज होंगे और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना? और वहाँ के लोग फिर यहाँ पे आएंगे, वेल ये बहुत पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया, ओके? चलो फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी अगेन 2 मार्क का है। वेल, क्वेश्चन बहुत लॉजिकल भी है और आपको समझना भी ज़रूरी है। Why are we not allowed to play loudspeaker at the public places after 10 o'clock in the night? ये 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। इसमें ये पूछा गया है कि रात को 10 बजे के बाद हम लोगों को loudspeaker प्ले करना, loudspeaker बजाना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? वेल, सबको पता ही है कि हम लोग पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, और रात जो होती है वो सोने के लिए होती है। कुछ लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको वो एक्सेप्शन केस है, तो मैं उनको इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ। पर यूजुअली अगर हम पूरा दिन बहुत हार्डवर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सी हम लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सो दे रिक्वायर सम मेंटल पीस, है ना? एंड नाइट वो टाइम होता है जब हम लोग अपने बॉडी को रिलैक्स करके अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर इसी टाइम पे अगर लाउड स्पीकर बजेगा तो हम लोग क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे, और वो सही नहीं है ना।
चलो लेट अस डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट. नंबर वन, जनरली पीपल गो टू बेड एट अबाउट 10 PM. सबका अपना अपना साइकिल होता है. कुछ लोग 9 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग 8 बजे भी सो जाते हैं, कुछ लोग तो रात को 2-2 बजे तक भी जगते हैं. बट एक 10 o'clock का जो टाइम है ना वो आइडल माना गया है. ओके, सो यूजुअली ऐसा हम लोग मान लेते हैं प्लस माइनस करके कि लोग आसपास 10 बजे के आसपास सो जाते हैं. पॉइंट नंबर टू, दे विल गेट डिस्टर्ब इफ द लाउड स्पीकर आर प्लेड ऑन. अगर मान लो मैं 10 बजे सो रहा हूँ और मेरे घर के पास में लाउड स्पीकर बज रहा है तो वो जो आवाज़ आएगी उससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा और यूजुअली मैं सो नहीं पाऊँगा. ओके, पॉइंट नंबर थ्री पे आते हैं. सो टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन, है ना, ये नॉइज़ जो होता है ये भी एक पोल्यूशन है. अभी जैसे कि मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो पीछे बैकग्राउंड में आपको थोड़े बहुत हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, है ना, ट्रैफिक का इशूज़ है. तो नॉइज़ पोल्यूशन से हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता ही है. एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू पुट बैन ऑन प्लेइंग द लाउड स्पीकर इफ पब्लिक आफ्टर 10 PM. सो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, अगर आपके घर पे कोई आसपास है तो यू कैन डू टू थिंग्स. आइदर आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ बंद करो, सोना है वगैरह वगैरह. और अगर वो नहीं कन्विंस हो रहे हैं, डायल 100 नंबर, वो आएंगे, उनके स्पीकर भी ले जाएंगे और स्पीकर वालों को भी ले जाएंगे, है ना, और फिर बजाते रहो. नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, डेट इज वाई इज द लॉ फ्रेम्ड. कानून क्यों बनाए जाते हैं. एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकता है. वेल 6 पॉइंट्स हैं. तो आपके दिमाग में भी आते हैं कि ये नया कानून लाए तो ये नया कानून क्यों लाए. ओके, सो ये नॉर्मली बेसिक पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं. फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन लॉ इज इनएविटेबल. तो किसी भी देश को अच्छे से गवर्न करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कानून बहुत ही जरूरी है. अ गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर टू, अ गवर्नमेंट कैनॉट कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट लॉ. गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना है तो उसको कानून की हेल्प तो लेनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर थ्री, विदाउट लॉस देयर विल बी होपलेसनेस एंड चाओस इन अ नेशन. अगर कानून नहीं होगा तो सबको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो आप इमेजिन करो कि मान लो रोड पर कोई रूल नहीं है, कोई कहीं पे भी गाड़ी चला रहा है, सिग्नल भी नहीं है, तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम होंगे, एक्सीडेंट होंगे, तो कन्फ्यूजन होगा, नुकसान भी होगा. सो कहीं पे भी अगर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो कानून तो चाहिए ही चाहिए, है ना. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. पॉइंट नंबर फोर पे आते हैं. देयर वुड बी ग्रेट डिसऑर्डर ऑल अराउंड, है ना, सब जगह क्या होगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा. न्यूज़ में मैंने बहुत सुना है, कन्फ्यूजन बहुत होगा. ठीक है, माइट इज राइट विल बी मैंडेट. तो जो चीज़ें सही हैं वैसे ही हों तो ज़्यादा अच्छा है. ओके, पॉइंट नंबर सिक्स में आते हैं. टू ब्रिंग अबाउट पीस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट ऑफ फ्रीडम फॉर देयर सिक्योरिटी एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन लॉस आर असेंशियल. तो हम शांति मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, है ना, लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ इसके लिए और हमारे देश आगे बढ़ पाए, कानून बहुत ही ज़रूरी है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना सेशन का दी एंड करता हूँ. एंड आप ये क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा. इफ़ आई एम फ्री, मैं आपको मैं आंसर कर दूँगा. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे. एंड मैं यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ.